हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो यस, आज मैं बनाने जा रही हूँ तिरंगा कबाब, जो कि आपने बिफ़ोर एंड आफ्टर ऑलरेडी देख लिया। सो उसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम जितना बोनलेस चिकन, जिसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर ली हूँ लाइक चना बोटी। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक अंडा और हाफ कप ऑफ मिल्क। और यहाँ पे हम ले रहे ब्रेड के स्लाइसेस, जो कि हमारे जो ब्रेड के कोने बच जाते हैं और ऊपर नीचे के जो एक 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 एक्स्ट्रा ब्रेड आते हैं वो ब्रेड्स हम लेंगे। और सम ड्राई पाउडर्स, रेड चिली, टर्मरिक, धनिया पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, काला नमक, वाइट नमक और कबाब मसाला और चिकन मसाला। और ये यहाँ पे मैंने तिरंगा ब्रेड क्रम्स बना के रख लिए थे। इससे पहले वाली आप अगर मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने ब्रेड क्रम्स को किस तरीके से ऐसे कलरफुल बनाना है उस वीडियो में मैंने वो पूरा डिटेल में शेयर किया है। और 3 चीज़ क्यूब्स। सो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखिए, मैंने धनिया, हरी मिर्ची और एक अखा नींबू लिया है जिसको बीच में से कट कर ली हूँ। और सबसे पहले अभी हम करेंगे ऐड हमारे जो ड्राई मसाले हैं वो सब हम चिकन में ऐड कर देंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो कोथमीर, मिर्ची और जो हाफ लेमन है हमारा, उसके बीज इस तरीके से हम निकाल लेंगे और उसका रस इसमें ऐड कर देंगे। और अगर बीज इसमें एकाध इक्का दुक्का गिर भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, ये हार्मफुल नहीं है। और अब मैं इसे पूरा अखा नींबू इसमें डाल दूंगी। और जो ब्रेड्स लिए थे मैं इस तरीके से हाथ से तोड़ के डाल रही हूँ, आप लोग इसे अच्छे से तोड़ के डालिएगा, बिकॉज़ मेरे हाथ में एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ, सो इसीलिए मैं एक ही हाथ से तोड़ रही हूँ। और अब मैं सारे जो ब्रेड्स के कोने थे वो सब मैंने इसमें ऐड कर दी हूँ। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच जितना ऑयल, ये हमें डालना है बिकॉज़ ये चिकन का हम बना रहे थे, इसमें चिकनाटपन नहीं है, सो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट पीसने में इसलिए नहीं डाला बिकॉज़ मेरे पास पेस्ट अवेलेबल था। अगर आप फ्रेश इसमें डाल रहे हो तो आप फ्रेश ले सकते हो, मैंने कल ही फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखी थी इसीलिए मैंने वही पेस्ट इसमें ले लिया। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैंने, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं इसे रेस्ट होने के लिए दूंगी। और जो अभी हमारा एक अंडा है उसके अंदर मैंने हाफ मिल्क डाल दिया है, हाफ कप ऑफ। और अब मैं इन दोनों को आपस में मिक्स कर रही हूँ, दूध को और मिल्क को अच्छे से फेंट लेंगे हम, ये आप देख सकते हैं, ये अच्छे से मैंने फेंट ली हूँ इसको। हमें दूध और अंडे को इतने अच्छे से फेंटना है कि हमें समझ ना आए कि हमने अंडे में एग्जैक्ट क्या मिलाया। और फिर मैंने चीज़ को ग्रेट करके रख लिया था। और ये अब मैं हाथ में ऑयल लगा लूँगी हथेलियों में अच्छे से, ताकि जो हमारे कबाब है वो हमारे हाथों में चिपके ना। और इसको अब मैं हाथों की मदद से ऐसे चपटी रोटी की जैसे हम बेल लूँगी ऐसे फिंगर्स से। और फिर उसके बीच में मैं डालूँगी चीज़ ढेर सारा, और फिर चीज़ को मैं इस तरीके से कवर करूँगी जैसे हम मीठी रोटी बनाते हैं। हम कैसे करते हैं, बस हमें ये बहुत हार्डली हमें नहीं करना है, सॉफ्टली हमें करना है, हमारे हाथ से ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है बिकॉज़ ये नाजुक है, ये टूट सकता है। सो ये देखिए, ये मेरे कबाब बन के रेडी हो गए हैं। मैं एक और आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम बना रहे हैं। हमें पहले आटे का ऐसा एक क्वांटिटी ले लेना है, फिर हथेली पे इस तरीके से उसे स्प्रेड करना है, देन उस पर हम रखेंगे बीच में चीज़ और फिर इसे कवर कर लेंगे हम। और फिर इसे ऐसे हाथ से हम जैसे आटे को गोला करते वैसा करेंगे। और फिर मैं इसे सेंटर से प्रेस करते हुए एक कबाब की शेप दे दूँगी। आप देख सकते हैं बहुत इजी है, कोई इतना लोड नहीं है और कोई इतना प्रोसेस हार्ड नहीं है इसका। सो बहुत इजी प्रोसेस है, आप इजीली घर पे बना सकते हो चीज़ी चिकन कबाब। सो ये बहुत यूनिक रेसिपी और कलरफुल है, तो बच्चे खाने में बहुत शौक से बच्चे खाते हैं कि कलरफुल कबाब भी है और फिर चीज़ भी है। बच्चों को तो ऐसी यूनिक यूनिक चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। सो आप लोग भी अपने अपने घर में ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बने थे गाइस।
सो इसी तरीके से अब मैं सारे कबाब हमारे रेडी करके ले लूँगी। और ये देखिए ये मिल्क का मिक्सर रेडी है मेरा, मैं एक एक कबाब इसमें डीप करूँगी। सो ये मैं फॉक से मदर हेल्प दे रही थी बट वो नहीं हो पाया, तो मैंने लास्ट में अपने हाथ ही इसमें डुबो लिए। और फिर ये मैंने एक ग्रीन वाले पे रख ली हूँ, और अब मैं एक रेड वाले पे रखूँगी, देन एक येलो वाले पे। और फिर मैं आपको ये तीनों को बताती हूँ कि अभी मैं इसे कोट किस तरीके से करूँगी। सो हमें बहुत कोई लोड नहीं लेना है, हमें इजीली पहले मैं सब में ऊपर से इसको अच्छे से लगा दूँगी ताकि ये ऊपर से अच्छे से हमारे ब्रेड क्रंच चिपक जाए। फिर इसे इस तरीके से टैप करते हुए करूँगी और ये एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा रेड वाला रेडी हो गया। सेम हम ग्रीन वाले के साथ करेंगे, ये आप देख सकते हैं। और फिर मैं इसके ऊपर भी ऐसे स्प्रेड करूँगी, फिर से सर्कल सर्कल करते हुए हम करेंगे और ये एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स हम निकाल लेंगे। ये ग्रीन भी रेडी हो गया है हमारा। सो सेम मेथड से मैं आपको येलो भी दिखा रही हूँ ताकि आप लोग तीनों को देख सके कि मैंने कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं किया है, कुछ नहीं, वीडियो भी कंटिन्यू है मेरी। सो अभी तक के जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज़ जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि इस आगे की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। और मुझे कमेंट भी करो कि आप लोगों को मेरा तिरंगा चीज़ी कबाब कैसे लगा। ये देखिए ये हमारा सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अभी मैं इसे फ्राई कर लूँगी, कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, मैंने ब्रेड क्रम्स को डाल के देख ली हूँ। और अब मैं यहाँ पे ब्रेड्स को जो हमारे कबाब है मैं उसे फ्राई करके ले लूँगी। ये देखिए सो ये मैंने फर्स्ट कबाब इसमें छोड़ दी हूँ, अब सेकेंड। और ये बिल्कुल टूट नहीं रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत इजीली बहुत अच्छे से बन गए थे। सो मैं फर्स्ट बैच में पूरे चार कबाब को फ्राई करूँगी। और ये जो फर्स्ट हमने दो कबाब को ऑलरेडी पहले ही इसमें डाल दिया था, मैं उसे टर्न करूँगी और गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा है। और ये देखिए ये पलटा की मदद से मैंने, छन्ने के मदद से मैंने इसे पलटा ली हूँ ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए। और आप देख सकते हैं ये फ्राई होने के बाद भी इसका कलर कितना खूबसूरत है, ये ऐसा लग ही नहीं रहा है। और अब मैं इसी तरीके से इसे फ्राई कर लूँगी, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं एक एक करके इसे निकाल लूँगी बाहर। भी आप देख सकते हैं ये ऑयल में इतनी झाग इसीलिए आ रही है गाइस, बिकॉज मैंने इसमें अंडे में इसको डीप किया था, तो अंडे की वजह से इसमें इतनी झाग आ रही है। तो आप लोग बिल्कुल डरिएगा नहीं कि इसमें झाग आ रही है, ये वो अंडे की जो भी हम आइटम फ्राई करते हैं तो उसमें झाग आती है। और अब मैंने यहाँ पे इसे एक छन्नी में ले ली हूँ ताकि सारा एक्सेस ऑयल नीचे निकल जाए। और फिर मैं दूसरे हाथ से इसमें दूसरा बैच इसमें डाल रही हूँ ताकि साथ ही में हमारा दूसरा बैच भी हो जाए। सो ये देखिए ये अब मैं इसे सर्व कर लूँगी एक प्लेट में, और सेम तरीके से मैं इसे भी फ्राई करके ले लूँगी। और ये देखिए ये मैंने इस तरीके से इसे सर्व की हूँ लाइन से, ग्रीन, रेड, येलो, ग्रीन। और ये मैंने यहाँ पर तीनों ग्रीन रेड को फ्राई कर ली हूँ। अब मैंने इसे भी इस तरीके से रख दिया है, रेड ग्रीन रेड और येलो ग्रीन रेड। सो ये बहुत टेस्टी लग रहे थे, बहुत अच्छे मज़े के बने थे। अभी मैं आपको बताती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं
और इसके वो बीच में से जब हम तोड़ रहे तो कितने अच्छे से चीज़ इसमें इसे आ रहा था, एकदम दिल खुश हो गया था मेरा। तो ये देखिए, ये अंदर से भी एकदम चीज़ी है।